है ये, इसको लेते हैं यहाँ से, 2a + 3b = 70। तो ये 70 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है? तो मुझे पता है कि 8 + 9 करूँगा तो मेरे पास 70 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 8 कब बनेगा, तो मैं 2 की पावर क्या लिखूँगा, 3, और इसको मैं लिखूँगा 3 की पावर 2। तो इसका मतलब a कितना है मेरा, a ये हो गया और b ये हो गया। अच्छा इसमें देखिए, देखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो देखो यहाँ पर रखिए इसमें ए की 2a मतलब यहाँ का 3 + 2 - 3 2+1, यानी ए की जगह लिखना है 3 लिखना है, बी की जगह उनको 2 लिखना है। तो ये बन गया ए की पावर 5 - 3 की पावर क्या होगी 3। इसको बोलते हैं 32 और इसको बोलते हैं अपन 9 27। अच्छा माइनस करेंगे तो आएगा मेरे पास में 5, जो कि आंसर जरा ये तो है 100 ट्रिक से है। अच्छा इसी को फिर अपन डिस्क्रिप्शन में कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन ये पिछले के इसी क्लास में 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे उधर। अब इसको सोल्व कैसे करना है ये हमें यहाँ, यानी कि अगर किसी को नहीं बताया तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, ये हमें यहाँ देखना है। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2a = 70 माइनस ये आपका हो जाएगा -3b। यहाँ तक सही, क्या किया मैंने 3b को मैंने इधर भेज दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इसको अगर आप सेकेंड वाले करें, देखो 2a इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 - 3b और ये 3 की पावर 1 मतलब 3। अच्छा ये इक्वल 5। अच्छा अब यहाँ जो है मेरे पास a की वैल्यू ये है, क्या इस a के इक्वल जो है मैं इसकी बेहतर ये अब इसमें हम क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है यहाँ इसमें रखेंगे, तो मैं a की वैल्यू यहाँ रखने वाला हूँ। तो देखो a बराबर क्या है 70 - 3b और ये 2 इसको क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 2 का स्क्वायर 4 -3 × 3b = 5। ए अच्छा ये क्या बनेगा मेरे पास में, ये बनेगा 68 - 4 × 3b - 3 × 3b = 5। अच्छा अब इसको दे देते हैं, तो देखो ये माइनस इसमें तो क्या कॉमन आ रहा है, चलो मैं लिखता हूँ 4 × 3b - 3 × 3b = 5 - 68, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा अब इसमें देखिए, देखो इसमें माइनस 3b कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 4 + 3, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज रहेंगे ना। अच्छा ये मेरे पास माइनस ये बच गया 68 में से और 5 करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस का 63 बच गया। अच्छा ये -3b और इनटू 7 और -63, अच्छा -3b = -63/7 कट गया, -3b = -9, माइनस से माइनस कट गया। अच्छा यहाँ से b 3b = 3b पावर 2, तो ये 3 बेस सेम है, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या कहूँ, b की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब आप a की वैल्यू ला सकते हैं, इसके लिए क्या करें, यहाँ इसकी वैल्यू लगाते हो 2a 17 - 3 यहाँ क्या लिखेंगे, बीच में 2 लिखेंगे, तो a की पावर 2 17 - 9 a² + 2 की पावर a और 17 - 9 a² - 8 और 2 की पावर a और 3 2 की पावर 3
ए से कट गया, ए बराबर क्या गया, तो ए कितना हो गया, ए बराबर हो गया 3 और बी बराबर हो गया 2। ये सिंपली भाई ऐसे ही करना है, ठीक है।